असाइनमेंट वन पॉइंट फाइव कैलकुलेट द आंसर्स टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर आपके पास छः पार्ट्स हैं सबको बारी बारी सॉल्व करेंगे लेकिन सबसे पहले कुछ रूल्स रिवाइज कर लें सिग्नीफिकेंट फिगर्स के और नॉन जीरो डिजिट्स अभी इसमें देखें चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्नीफिकेंट्स हमारे पास हैं फोर जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स यानी ये टू और सेवन देखें नॉन जीरो डिजिट्स हैं इनके बीच में जो जीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं तो इसमें टोटल कितने हो गए तीन जीरो हो गए और दो साइडों पे तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं टोटल फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आफ्टर डेसीमल डेसीमल के बाद जो इमीडिएटली जीरोज आ रहे होते हैं उनको कहते हैं लीडिंग जीरोज़ ये नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं यानी कि इस फिगर में देखा जाए तो टोटल दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर डेसीमल जो ट्रेलिंग जीरो हैं कि डेसिमल के बाद ये तो लीडिंग जीरोस थे जबकि नंबर के बाद जो नॉन जीरो नंबर्स हैं उनके बाद वाले जो होते हैं वो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं तो ये सिग्निफिकेंट होते हैं तो इस नंबर में टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन होल नंबर्स ट्रेलिंग जीरोज़ मैंने बता दिया है कि डेसिमल के बाद वाले फिगर में जो एंड पे आ रहे होते हैं वो ट्रेलिंग जीरोज़ होते हैं अगर होल नंबर है जिस तरह थ्री ट्वेंटी है इसमें अगर बाद में डेसिमल आ रहा है डेसिमल के बाद कोई जीरो आ रहा है इस केस में ये वाला ट्रेलिंग ज़ीरो जो होता है वो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर है ठीक है होल नंबर के अंदर जो एंड पे अगर डेसिमल आ रहा हो तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है इस नंबर के अंदर देखें थ्री फिगर दे हैं थ्री टू और जीरो इसी तरह अगर बाद में जीरो ना हो डेसिमल के और जीरो ना हो पॉइंट जीरो ना हो सिर्फ थ्री ट्वेंटी लिखा हो तो सिर्फ पहले दो जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं यानी इस वाले नंबर में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखा हो ए मल्टीप्लाई बाय ट्रेंसपर एक्स इसको मैंने रेड कर लिया कि भाई ये सिग्निफिकेंट नहीं होता बाकी जो इस तरफ जितना कुछ भी लिखा होगा वो सिग्निफिकेंट होगा फॉर एग्जाम्पल फोर पॉइंट फाइव इंटू थ्री इसमें फोर और फाइव सिग्निफिकेंट हैं यानी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसी तरह फोर पॉइंट फाइव जीरो इंटू थ्री हो तो मतलब है कि फोर फाइव और जीरो ये तीन सिग्निफिकेंट हैं फिगर्स हैं फोर पॉइंट फाइव जीरो जीरो इंटू थ्री हो तो ये चार जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एडिशन से के अंदर रिजल्ट जो होता है उसको राउंड ऑफ़ कर दिया जाता है टू लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज़ इन द इनपुट गिविंग नंबर्स ये एग्जांपल के तहत समझें ये अगर आप इनको तीन डेसिमल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर ये आ जाता है लेकिन अब हमने इसको राउंड ऑफ़ करना है और एज कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उस नंबर के बराबर जिसमें डेसीमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों इसमें देखें डेसीमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये वाला नंबर जितना है इस जितना हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है अपने आंसर को तो हमारा जो आंसर है उसके अंदर कितने आने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स वन टू थ्री फोर ठीक है तो वन टू थ्री फोर तो ये हमारा आंसर बन जाएगा वन सिक्स नाइन पॉइंट ज़ीरो इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में हो उतना हम लोग आंसर को राउंड ऑफ करते हैं मिसाल के तौर पे ये आप नंबर्स देख लें एक दो तीन इसमें इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें चार हैं और इसमें कितने इसमें दो हैं हम लोगों ने जो पिछली पेज था उसके ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया कि ये दो नॉन सिग्निफिकेंट हैं अगर यहाँ पर पॉइंट लग जाता तो फिर ये भी सिग्निफिकेंट हो जाते अभी इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमारा आंसर जो है दो फिगर तक राउंड ऑफ होएगा ठीक है मतलब आंसर सिर्फ दो डिजिट्स नहीं होगा ये याद रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें दो होने चाहिए तो अभी इसमें ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाएंगे तो बाकी सारों को क्या कर देंगे जीरो कर देंगे थर्टीन जीरो ज़ीरो जीरो जीरो क्यों क्योंकि जिस तरह इसमें ये दो नॉन सिग्निफिकेंट है इस नंबर में ये चार जो है नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट रहने हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमारा रूल है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस इनपुट के अंदर हों उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर के अंदर होने चाहिए अभी चलते हैं क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ पार्ट ए है पॉइंट वन थ्री प्लस पॉइंट वन मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से या वैसे ही तो पॉइंट फोर वन आंसर आ जाएगा अब एडिशन में रूल क्या था कि कौन सा ऐसा इनपुट नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं इसमें डेसीमल के बाद एक डिजिट है तो हमारा आंसर भी डेसीमल के बाद एक डिजिट तक ही जो है राउंड ऑफ होगा तो ये हमारा आंसर बन जाएगा पॉइंट पार्ट बी है इसमें तीन नंबर्स ऐड अप हो रहे हैं uh, इस केस के अंदर जब हम लोग सम कर देते हैं तो आंसर हमारा ये आ जाता है अब राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ़ के लिए प्लस वाले के अंदर होता है कि डेसिमल के बाद किस में सबसे कम डिजिट्स हैं इसमें एक है इसमें चार हैं इसमें दो हैं तो इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो हमारा आंसर जो राउंड ऑफ होगा डेसिमल के बाद एक डिजिट तक होगा तो हमारा आंसर आ गया टू ज़ीरो टू सिक्स पॉइंट एट अब तीसरा सवाल है एट मल्टीप्लाई बाई सेवन आंसर मैथमेटिकली तो इसका आ जाता है फिफ्टी सिक्स लेकिन हम लोगों ने राउंड ऑफ़ करना है मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होता है कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो तो हमारे दोनों ही जो हैं क्या हैं एक एक सिग्निफिकेंट है नंबर है दोनों नंबर्स के अंदर क्योंकि एक एक ही डिजिट है तो हमारा आंसर राउंड ऑफ़ होना चाहिए एक डिजिट तक यानी कि इस तक राउंड ऑफ़ करना है अभी फाइव को राउंड ऑफ करना है अगला नंबर देखेंगे फाइव या फाइव से बड़ा बढ़ाए हाँ बड़ा है तो इसको हम क्या कर लेंगे सिक्स कर लेंगे और अगला नंबर जीरो कर लेंगे क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में कितने होने चाहिए थे वन क्यों क्योंकि हमारे डिजिट्स भी वन वन ही थे सिग्निफिकेंट फिगर्स में पार्ट डी बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीन और हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था कि किस में सबसे कम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें देखें तो एक दो तीन चार इसमें देखें तो एक दो तीन चार इसमें देखें तो एक दो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमारा आंसर भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ़ होना है वन थर्टी नाइन है तो अभी अगला नंबर देख लें फाइव है तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके वन फोर ज़ीरो लिख लेते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो अगर यहाँ से दो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे लाए जाएँ तो वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय टेनस्वर टू तो ये तीन सिग्नीफिकेंट uh, फिगर्स इसमें हैं और इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्वेश्चन नंबर का पार्ट uh, ई e है 5.5 पॉइंट फाइव डिवाइड बाई वन पॉइंट वन मैथमेटिकली इसका आंसर आ जाता है फाइव और दोनों के अंदर देखें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारा आंसर कितना आया हुआ है फाइव तो इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसको हम लोगों ने फिर कितना बनाना है जितने की हमारी इनपुट है तो इस डब्बे को थोड़ा बड़ा करके बना लिया समझाने के लिए तो इसके साथ एक पॉइंट करके जीरो लगा देते हैं तो हमारे इसमें अब कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स दो तो हमारी इनपुट्स के बराबर हो जाएंगे पार्ट एफ लंबा चौड़ा सवाल है मैथमेटिकली इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है एटीन पॉइंट सेवन टू को सिक्स पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन की जाती है फिर प्लस करेंगे उसमें सेवेंटी थ्री पॉइंट टू और इस सारे का जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे थ्री पॉइंट फोर से तो so कैलकुलेटर से कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा फिफ्टी फाइव पॉइंट वन वन फाइव टू नाइन मल्टीप्लीकेशन डिजन में आपको पता है कि हम लोगों ने क्या रूल फॉलो करना होता है कि इनपुट्स में जिसकी सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हों इसमें दो हैं इसमें भी दो हैं किसी एक को ले लेते हैं तो इतना हमारा आंसर होना चाहिए कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके अंदर आने चाहिए हमारा आंसर क्या है फिफ्टी फाइव पॉइंट वन वन टू नाइन यानी सिर्फ पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हमने इतना ही राउंड ऑफ करके लाना है तो 55 अगला डिजिट देख लें डेसिमल के बाद जो है वो वन है यानी फाइव से छोटे तो हमारा आंसर फाइव फाइव यानी 55 ही आएगा